बिहार के 70% छात्र फेल हो गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी हैं। सर, 70% छात्र फेल हुए हैं? 70 ही नहीं हुए हैं, वैशाली जिले के 90% फेल कर गए। और मुख्यमंत्री का जो गिरिध जिला में वहीं से आ रहा हूं नालंदा, उस गिरिध जिले में 24% रिजल्ट हुआ है। बगल के अरवल में, नवादा में, जहानाबाद में, रोहतास के अंदर, वहाँ रिजल्ट 16%, 15%, 17% है। ये तो आप 35% औसत की बात कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि किशनगंज जिला, जो बिहार का सबसे गरीब और पिछड़ा जिला है, जो साक्षरता के मामले में सबसे निचले पायदान पर है, वहाँ के 63% लड़के पास कर गए। तो किशनगंज में क्या खास बात थी कि वहाँ के 63% लड़के पास कर गए? और नालंदा के, अरवल के, जहानाबाद के, रोहतास के, इन जिलों के 15% 16% लड़के पास किए। ये तो देखिए, नीतीश जी ने बिहार के लाखों लड़कों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। और इसलिए इन तमाम, और जिस तरह से ये रिजल्ट निकाला गया, मैं तभी नालंदा जिले से होकर आ रहा हूँ जी, वहाँ पर गांव के अंदर मैं था, वहाँ के बच्चे पुतला दहन करे थे नीतीश कुमार का, और 3 लड़कियाँ आईं जिनको 3 नंबर मिला फिजिक्स के अंदर। और करेगी मॉडल आंसर पेपर जो रिलीज किया गया, उस मॉडल आंसर पेपर के अंदर उन्होंने 28 में 18 सवाल सही किया था। ये तो किस तरह की कॉपी जांच हुई है। तो मैं बिहार के नौजवानों से अपील करूंगा कि सड़कों पर आएं और अपने हक के लिए लड़ें, और सरकार को बाध्य कर दें कि सरकार पुनर्मूल्यांकन करे इन कॉपियों को। और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, वो चाहे आनंद किशोर हों या और कोई किशोर हो, उनको अविलंब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इंटरमीडिएट काउंसिल से हटाया जाना चाहिए, जिन्होंने बिहार के लड़कों की जिंदगी के साथ और खिलवाड़ किया। आप छात्रों से ये अपील कर रहे हैं कि वो सड़कों पर आकर आंदोलन करें? निश्चित रूप से, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? यानी आपने लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दिया, वो लड़कों का एक साल खत्म हो गया, वो लड़के कहाँ जाएंगे? और बिहार के लड़के इतने कमजोर हैं क्या? बिहार के लड़कों में मेधा है, ताकत है। IIT में एक बिहार का लड़का नहीं जा पाएगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से जिसने इंटर पास किया, एक लड़का IIT में नहीं जा पाएगा, क्योंकि IIT का नियम है कि 75% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, तभी IIT में आपका नामांकन होगा। इसका मतलब हो गया कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का एक भी नौजवान इस साल IIT में नहीं जा पाएगा। एक खिलवाड़ आपने कर दिया लड़कों की जिंदगी के साथ, इसलिए कड़ा। और बाकी राज्यों में 90% रिजल्ट हो रहा है, बिहार का लड़का दिल्ली विश्वविद्यालय में नाम नहीं लिखा पाएगा। जितने कम अंक लोगों को मिले हैं, जिन हजारों लड़कों ने सपना देखा था दिल्ली विश्वविद्यालय में नाम लिखाने का, तमिलनाडु के, केरल के, कर्नाटक के लड़के भर गए वहाँ पर, और हमारे बिहारी लड़के। आपने एक आंकड़ा दिया कि किशनगंज में बेहतर रिजल्ट हुआ है, क्या आपको लगता है ये तुष्टिकरण की राजनीति? नहीं, तुष्टिकरण नहीं, ये इसका मतलब है कि धांधली हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ गलत हुआ, इसका मतलब है कि जिन जिलों का रिजल्ट खराब हुआ है, मनमाने तरीके से मार्किंग कर दिया गया, प्राइमरी के टीचर्स को बुलाकर और इंटर की कॉपी जांच करवा दी गई। और एक और आश्चर्य की बात है, कॉमर्स का रिजल्ट बढ़िया क्यों हो गया? अगर कॉमर्स का रिजल्ट 80% हो सकता है, तो आर्ट्स का क्यों नहीं हो सकता है, साइंस का क्यों नहीं हो सकता है? इसका मतलब कि लड़कों ने मेहनत करके ठीक लिखा है, लेकिन मार्किंग करने वाले लोगों ने मनमाने तरीके से मार्किंग कर दिया। कैसे कर दिया मार्किंग, पूरा जाँच का विषय है। तीसरे, आनंद किशोर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन हैं, अविलंब उनको हटाया जाना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने लाखों लड़कों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। हमारे साथ सुशील मोदी हैं, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से इस रिजल्ट में धांधली हुई है। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो अध्यक्ष हैं उन्हें तत्काल तौर पे हटाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है।